ये उन उपद्रवियों की तस्वीरें हैं जिनको कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने चिन्हित करके निकाल कर दिया है, और सरकार ने जैसा कहा था, आदरणीय योगी जी ने कहा था कि हम उन चेहरों को उजागर करेंगे जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून की आड़ में देश में और प्रदेश में उपद्रव फैलाने की कोशिश की थी। ये वो उपद्रवी चेहरे हैं जिन्होंने प्रदेश की जनता को नुकसान पहुँचाया, जनता की प्रॉपर्टी को इन्होंने बर्बाद करने का प्रयास किया, क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। अब उनसे वसूली की जा रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार। इसलिए हमने जो कहा था, जो आदरणीय योगी जी ने कहा था कि हम प्रदेश की 23 करोड़ जनता को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम उस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए हमने इन चेहरों से वो वसूली करने के लिए इनको नोटिसेस दिए हैं और साफ तौर पर इस पर लिख दिया है और बता दिया है, हर चेहरा आपके सामने है, प्रदेश की जनता के सामने है कि कौन लोग हैं जो प्रदेश में माहौल खराब करना चाहते थे, कौन सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते थे, किन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को परेशान किया, किसने उत्तर प्रदेश की प्रॉपर्टी को, जो कि आप सबकी जनता की प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया है। ये वो चेहरे हैं, उनको आदरणीय योगी जी की सरकार ने आज आपके सामने कर दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इनसे वसूली भी की जाएगी और इस तरह के जितने लोग भी हैं उनको पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चौराहों पर लगा लगा कर लोगों को दिखाया जाएगा।